Hello and welcome back to Global Online Platform. This is Chandni Swarnakar and today we are going to cover four important writers from Restoration period. Okay, so we are going to cover Samuel Butler, William Wycherley, Samuel Pepys and Jeremy Collier. You can get my lectures at 9 PM on a daily basis. बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, दिसंबर एग्जाम में JRF लेने के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन करना होगा. उसके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी. एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न एंड डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया है. इसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें शॉर्ट एंड स्मार्ट के साथ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. उसके साथ आपको फुल सिलेबस नोट्स PDF फॉर्मेट में अवेल कराया जाएगा, जिसे आप अपने मोबाइल लैपटॉप में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो. उसके साथ आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, जैसे एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. मॉक टेस्ट आपके फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हो. और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है दैट यू गोइंग टू गेट कंप्लीट पेपर वन कोर्स फॉर फ्री. सो यू आर सेविंग 3600 रुपीज. ओके, नौ फ्री वीडियोज़ के एक्सेस के लिए जो है ग्लोबल ऑनलाइन आपको आप फटाफट डाउनलोड कर सकते हो. तो सेक्शन पर जाओगे, आपको सारे कोर्सेज की जानकारी यहाँ से मिल जाएगी. सर्च बार में जा करके डायरेक्टली कोर्स का नाम लिखोगे तो कोर्स का ओवरव्यू, कोर्स का ड्यूरेशन, फीस, आपको हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है, कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यूनिट वाइज जो है फोल्डर अवेलेबल मिलेंगे. हर एक यूनिट में थ्योरी लेक्चर्स, इवैल्यूएशन नोट्स, मॉक टेस्ट एंड MCQs आपको मिलेंगे. इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके साथ अगर आप ग्लोबल ऑनलाइन पेड कोर्स को ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जहाँ पे हर एक सेशन की PDF फॉर्मेट जो है आपको अवेल कराई जाएगी. ओके, नाउ लेट्स कवर द मेन राइटर सैमुअल बटलर. ओके, सो सैमुअल बटलर के नाम से और एक राइटर है, डोंट गेट कन्फ्यूज, वो एक्चुअली 19th और 20th सेंचुरी के राइटर है. ठीक है, सो हम यहाँ पे जो राइटर के बारे में बात करेंगे, उनका जो फेमस वर्क है वो है ह्यूडी ब्रश. ओके, नाउ सैमुअल बटलर वॉज बॉर्न इन 1613 एंड डाइड इन 1680. द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर बिकॉज ही इज अ प्रोमिनेंट राइटर. ओके, एन इंग्लिश पोएट, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड सटायरिस्ट पोएट थे. एक वर्क है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वही आपको करना है, जो कि एक सटायरिकल पोएम है. नाउ फेमस, जैसा मैंने बोला ह्यूडी ब्रश जो है बहुत ज़्यादा फेमस है. नाउ एक कोटेशन है, वेन जस्ट अ बॉय ही वुड मेक ऑब्जर्वेशंस, जब वो एक छोटे से बच्चे थे ना, तब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस करते थे एंड रिफ्लेक्शंस ऑन एवरी थिंग वन सेड और डिड. जो भी कोई भी चीज़ अगर कोई करता था या कहता था, उन पर बहुत ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट भी करते थे, उसे ऑब्जर्व भी करते थे एंड सेंसर इट टू बी ईदर वेल और इल. ठीक है, और उसे पकड़ भी लेते थे कि या वो अच्छी चीज़ है या ख़राब. ही वॉज नेवर एट द यूनिवर्सिटी फॉर द रीज़न एलेक्ट. ठीक है, वो इसी वजह से जो है कभी भी यूनिवर्सिटी वगैरह फॉर अ रीज़न ही वॉज नेवर एट द यूनिवर्सिटी. ओके, नाउ ह्यूडी ब्रश जो है एक सटायरिकल पोएम है एंड किस पे सटायर है ये भी आपको पता चलेगा. एंड ह्यूडी ब्रश जो है मॉक हीरोइक स्टाइल में लिखा गया है, इट वॉज रिटन इन मॉक हीरोइक स्टाइल. ओके, थ्री पार्ट्स में पब्लिश हुई है और हर पार्ट जो है अलग अलग ईयर में पब्लिश कराई गई है. देखिए, पब्लिश इन थ्री पार्ट्स इन 1663, 1664 एंड 1678. ये आपको ईयर जो है ध्यान में रखने हैं. ठीक है, दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं, कैरेक्टर्स जब आप बात करते हो ना, तो इस पर्टिकुलर वर्क के कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं. जहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ह्यूडी ब्रश एक मेन जो कैरेक्टर है, सेकंड है राल्फ, थर्ड है द रिच विडो, फोर्थ है द टाउन्स पीपल एंड फिफ्थ वन इज सिड्रोफेल एंड वेकहम. ठीक है, सिड्रोफेल एंड वेकहम. नाउ ह्यूडी ब्रश एंड राल्फो जो है ना, बहुत ज़्यादा डॉन की होटे और सांचो के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मिलता है. ठीक है, सांचो जो कैरेक्टर है और डॉन की होटे का जो कैरेक्टर है, ये इससे और ये इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि पांजा टू कम्बाट दोज होम दो दे कंसिडर टू बी देयर एनिमीज. वो एक्चुअली में उनसे लड़ते हैं जिनको वो समझते हैं कि वो उनके दुश्मन हैं. ठीक है, दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ह्यूडी ब्रश का जो टाइटल है, जो नाम है, वो कहाँ से आया. एक बुक लिखा था स्पेंसर ने, ठीक है, एडमंड स्पेंसर ने, फेरी क्वीन. ठीक है, यहाँ पे एक ह्यूडी ब्रश का नाम यूज़ हुआ है, तो वहाँ से इन्होंने ये टाइटल उठाया है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. देखिए, बटलर ने ह्यूडी ब्रस्टिक एक टर्म है, बेसिकली एक स्टाइल ऑफ राइटिंग, एक मीटर, एक पर्टिकुलर मीटर फॉलो करते हैं, राइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट.
ठीक है, ये ह्यूरिब्रस्टिक जो है ना, ये ह्यूरिब्रस्ट वर्क से ही आया है, यहीं से जो है सैमुअल बटलर के वजह से जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है। उससे पहले भी थी बट बिकॉज ऑफ सैमुअल बटलर इट बिकेम वेरी पॉपुलर। देखिए मैंने ह्यूरिब्रस्टिक पे भी एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं, ये एक एक टाइप ऑफ इंग्लिश वर्ड्स है जो कि सैमुअल बटलर के ह्यूरिब्रस्ट के नाम पे रखा गया है, ह्यूरिब्रस्ट एंड ह्यूरिब्रस्टिक। ओके, इट वॉज पॉपुलराइज इन पार्ट्स फ्रॉम 1663 टू 1678, ये टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई। इसके जो लाइंस होते हैं ना वो होते हैं आयम्बिक टेट्रामीटर में, ठीक है ना। और बात जो मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ, एक्चुअली ये स्टोरी है सर ह्यूरिब्रस्ट की, जो बहुत ज़्यादा ना सेल्फ राइटियस एंड फुलिश नाइट थे, ठीक है, एंड हिज स्क्वायर, ये बेसिकली राल्फो, उनके साथ एक राल्फो, जैसे मैंने बताया था सैंचो एंड डॉन की औरतें एंड राल्फो एंड गॉन ह्यूरिब्रस्ट। नाउ दे एम्बार्क ऑन वेरियस मिस एडवेंचर्स एंड बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सटायर किया, एक तरह से तंज कसा है राइटर ने, एब्जर्डिटी पे तंज कसा है, एब्जर्डिटी ऑफ एक्सट्रीमिज्म पे, किसी भी चीज़ की एक सीमा से बाहर काम करने को करने के बारे में उन्होंने एक्चुअली में कहा है कि इट इज़ अ फुलिश एक्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सैमुअल पेपीज। तो सैमुअल पेपीज के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनकी डायरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि डायरी कब से कब आई, ठीक है, और कौन कौन से मेजर इवेंट उन्होंने कंसिडर किए हैं या कवर किए हैं, ठीक है। तो सैमुअल पेपीज के बारे में सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि 1633 में उनका जन्म हुआ है, 1703 में उनका उनकी डेथ हुई है। ओके, सेकेंड, एक इंग्लिश एंड इंग्लिश डायरिस्ट हैं एंड नेवल एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं ना, रॉयल नेवी में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने जो है सर्व किया है, और पार्लियामेंट के भी मेंबर वो रह चुके हैं, एज आई हैव मेंशनड ऑलरेडी हियर, है ना, और चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं टू दी एडमिरेटली अंडर बोथ किंग चार्ल्स द सेकेंड एंड किंग जेम्स द सेकेंड, ठीक है, दोनों के जो अंडर हैं वो एज अ चीफ सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। तो आप समझिए कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है और क्या क्या चीज़ें उन्हें पता होगी जो जो उन्होंने अपने डायरी में कवर किए होंगे, ठीक है ना। सैमुअल पेपी की जो डायरी है कैप्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1660 टू 31 मई 1669, ठीक है, 9 ईयर्स के लगभग में उन्होंने जो है डायरी एंट्रीज की है ना। इसमें जो मेजर इवेंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये हैं कि द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन इन्होंने कवर किया है, दूसरा है द सेकेंड डच वॉर उन्होंने कवर किया है, थर्ड जो है द ग्रेट फायर ऑफ लंदन कवर किया है, ठीक है, द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, द सेकेंड डच वॉर एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, दिस थ्री इवेंट्स एक्चुअली मैंशनड हैज़ बीन मैंशनड इन हिज डायरी, ठीक है, और ये बहुत सारी बातों को रिवील भी करता है, बहुत सारी बातें आपको पता भी चलती है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट राइटर, द थर्ड वन, विलियम वाइचरले, ओके, 1641 टू 1716। नाउ एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं और इनके प्लेज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंट्री वाइफ है और द प्लेन डीलर है, जो कि आज हम करेंगे ना। और बात आप समझिए, जब वाइचरले ना फ्रांस में थे, ठीक है, ही वेंट टू फ्रांस, सो ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू टू रोमन कैथोलिसिज्म, ठीक है, लेकिन जब चार्ल्स द सेकेंड जो है फिर से रिस्टोर उन्होंने किया ना गद्दी, रेस्टोरेशन पीरियड जब आया तो वो वापस जो है इंग्लैंड आ गए। तो ये आप इसलिए भी ध्यान रखो क्योंकि कुछ वर्क्स में इस तरह के मेंशन होंगे ना, तो आपको इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ द फर्स्ट वर्क इज द कंट्री वाइफ व्हिच वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1675, ओके, द कंट्री वाइफ वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1675 एंड इट वाज बेस्ड ऑन मॉलियर्स प्ले। तो आप देखोगे विलियम वाइचरले के काफ़ी प्लेज जो हैं वो मॉलियर पे बेस्ड है, मॉलियर आपको पता है एक राइटर है, ठीक है ना। यहाँ पे ना एक कैरेक्टर है जिसकी एक कोटेशन मेरे को बहुत अच्छी तो नहीं लगी बट आई फील उसे कंसिडर करना चाहिए, पिंच वाइफ सेज इफ वी डू नॉट चीट वुमेन दे विल चीट अस। व्हेन आई रेड दिस लाइन ना आई वाज लिटरली लाफिंग, सो आई डोंट नो हिज एक्सपीरियंस बट ही एक्चुअली सेज वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम द कंट्री वाइफ सेज इफ यू डू नॉट चीट वुमेन दे विल चीट अस। ओके, नाउ मूविंग ऑन
देखिए, प्ले जब शुरू होता है तो एक कैरेक्टर से शुरू होता है मिस्टर हॉर्नर, ठीक है, जो कि लंदन वापस आ चुके हैं और आफ्टर प्रिटेंडिंग टू बी इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट क्लोज टू वुमेन, ठीक है, इम्पोर्टेंट होना वो जो है प्रिटेंड करते हैं ताकि वो वुमेन के क्लोज आ सके विदाउट रेजिंग सस्पिशंस फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, ठीक है, ताकि बेसिकली उनके हस्बैंड्स को भी शक नहीं हो, उन्हें लगे कि अच्छा इन्हें तो मेरे वाइफ से मतलब मेरी वाइफ को इनसे तो खतरा कोई नहीं है, सो दे अलाउ हिम टू गेट क्लोज टू देयर वाइफ, ठीक है. तो यहाँ पे कितनी इडियोटिक हरकत है, बट ठीक है, ही शेयर्स हिज प्लान विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है, उन्होंने शेयर किया हार्कोट एंड डोरीलेट के साथ. उसके बाद और देखिए पूरी जो स्टोरी है कैसे टर्न होती है, मार्गरी पिंच वाइफ है, कंट्री वाइफ, ठीक है, वो लंदन आती है और लंदन सोसाइटी में इंट्रोड्यूस होती है. जो भी इंट्रोडक्शन होते हैं कोई भी सोसाइटी में आप जाओगे तो वहाँ पे तो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होगी. तो ये बहुत ज़्यादा ना नाइव है, ठीक है, इनोसेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है. तो इन्हें ना ये टारगेट करने की कोशिश करता है. कौन करता है? मिस्टर हॉर्नर. तो पूरी स्टोरी ने इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है. एंड यू मस्ट नो द स्टोरी, यू मस्ट नो द कैरेक्टर्स, ठीक है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ. नाउ द सेकेंड जो है द प्लेन डीलर, ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है जिसे फर्स्ट परफॉर्म कराया गया था 1676 में. ओके, नाउ ये भी जो है मॉलियर के वर्क पे बेस्ड है, बट पार्टिकुलरली ले मिसेंथ्रोप पे बेस्ड है. ले मिसेंथ्रोप ज़्यादा बड़ी नहीं है वर्क, आप पढ़ सकते हैं उसे. और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि इस वर्क को बेसिकली प्रेज किया है जॉन ड्राइडन एंड जॉन डेनिस ने. किसने? जॉन ड्राइडन एंड जॉन डेनिस ने. नाउ वॉल्टेयर अडैप्टेड द प्लेन डीलर टू मेक हिज ओन प्ले टाइटल ला प्रूड, ठीक है. अब ये भी ध्यान रखना है कि किसी एक राइटर को ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी, इसीलिए अपने अडैप्टेशन खुद से जो है अडाप्ट किया है वॉल्टेयर ने एज हिज ओन प्ले टाइटल ला प्रूड, ठीक है, ला प्रूड के नाम से उन्होंने अपनी वर्क लिखी. नाउ अ प्ले विच ऑफ विच वॉल्टेयर सेड, ठीक है, ये एक्चुअली में दूसरी लैंग्वेज है, सो यू कैन रीड दैट. नाउ इट्स मीनिंग एक्चुअली आई एम गिविंग यू हियर, आई नो नॉट ऑफ अ सिंगल कॉमेडी ऑफ ईदर द एंशियंस और द मॉडर्न्स वेयर देयर इज सो मच विट. वो कहते हैं मैं एक भी सिंगल कॉमेडी नहीं जानता हूँ, या आप एंशियंस कहो या मॉडर्न कहो, जिसमें इतने विट्स हों, ठीक है. ये एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, तो आपको ध्यान रखनी है. नाउ देखिए मैनली, इसका इसी वर्क का एक कैरेक्टर है मैनली, इज फाइन सेइंग टू फ्रीमैन, फ्रीमैन को कह रहा है फर्स्ट टाइम. सो उन्होंने मैनली ने बेसिकली फ्रीमैन से कहा, आई वेक द मैन नॉट हिज टाइटल, इट इज नॉट द किंग्स टैप कैन मेक द मेटल बेटर और हैवियर, समझ आई. अब देखिए ये कोटेशन आपको ध्यान रखना है, और बात मैं बता देती हूँ. इट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर, अराउंड द मेन कैरेक्टर कैप्टन मैनली, ठीक है. वो एक्चुअली में प्लेन डीलर हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और ऑनेस्ट हैं अपनी डीलिंग्स में. नाउ द प्लॉट फॉलोज मैनलीज एफर्ट टू मैरी ओलिविया. एक ओलिविया एक कैरेक्टर है, एक वुमेन है जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं और उनके जो भी लव काइंड ऑफ चीज़ दिखाई जाएगी आपको, लव स्टोरी, वहाँ पे जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, दोनों प्यार में हैं अब, दे वांटेड टू मैरी एंड नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स दे विल फेस यू विल गेट टू नो. ओके, नाउ दिस थर्ड वर्क द लव इन अ वुड, इट्स अ प्ले एंड इट्स अ कॉमेडी प्ले विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1671. इट्स अ डेब्यू प्ले ऑफ विलियम वाइचर्ले, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट मार्क इट अप. ओके, जस्ट मार्क इट अप. Now, first staged at the Theatre Royal, Drury Lane by the King's Company. First stage किसके द्वारा की गई? एक Theatre Royal है, Drury Lane by the King's Company. Okay? Now, किसको dedicate की गई है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है. तो Charles II की mistress थी, कौन? Duchess of Cleveland. उससे dedicate किया गया है. So, आपको ये point ध्यान में रखना है. Now, moving on. The Gentleman Dancing Master. It's a second comedy and we just need to remember the publishing year. See, published in 1673 but was acted late in 1671. Okay? Now, okay, moving on. Jeremy Collier. So, Jeremy Collier ki ek hi work important hai. Now, first you must remember he was born in 1650 and died in 1726. He was an English theatre critic.
कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश थिएटर क्रिटिक. एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इनका जो आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोर्टैलिटी इमोरालिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज 1698. ओके, शॉर्ट व्यू ऑफ द इमोरालिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज 1698 इन पब्लिशिंग ईयर. यू जस्ट नीड टू फोकस बिकॉज इस पर क्वेश्चन आते हैं. और किसको किसको टारगेट किया है ना, उस पर भी आपको फोकस करना है क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आते हैं. नाउ इमिनेशन विच ड्रॉज फॉर इट्स इमिनेशन मोस्टली ऑन द प्लेस. बेसिकली इट्स एन अटैक. इट मीन्स अटैक्स मोस्टली ऑन द प्लेस ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव. विलियम कॉन्ग्रीव के प्लेस को टारगेट करते हैं. जॉन वैग्रू वैन ब्रूग के वर्क्स को टारगेट करते हैं. जॉन ड्राइडन के वर्क्स को टारगेट करते हैं. थॉमस डी उर्फे के वर्क्स को टारगेट ये करते हैं. सो आपको ये ध्यान रखना है. और क्यों टारगेट करते हैं, देखिए बेसिकली कॉलियर अटैक्स रैदर रीसेंट रैदर पॉपुलर कॉमेडीज फ्रॉम द लंडन स्टेज. उन्होंने क्यों किया, क्योंकि प्रोफैनिटी बहुत ज़्यादा उनको देखने की मिली इनके वर्क्स में. ब्लैस्फेमी देखने के लिए मिली, इनडिसेंसी देखने के लिए मिली एंड अंडरमाइनिंग पब्लिक मोरालिटी भी देखने के लिए मिली थ्रू दी सिंपथेटिक डिपिक्शन ऑफ वाइस. ओके, और ये एक एंटी थिएटर पैम्फलेट है. क्या है, एंटी थिएटर पैम्फलेट है, दैट इज इट. आपको इतनी बात जो है ध्यान रखनी है. वी हैव कम्प्लीटेड टुडेज लेक्चर. वी हैव कवर्ड फोर राइटर्स एंड इच एंड एवरी थिंग विच यू रियली नीड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ नेट. ओके, फॉर गेटिंग JRF एंड थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप रिवाइजिंग एंड मेमोराइजिंग. ओके.